राम राम दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। सुबह का 6:30 बज चुका है और हमारे नए ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। ये पूल टैक्स है, ये पूल टैक्स में हम आ चुके थे। रात में नींद आ रहा था तो यहीं हम लोग थोड़ा सुस्ती आ रहा था तो सो गए थे। अब यहाँ से अभी उठे हैं, अब यहाँ से निकलने हैं, जाना है अपने को कोल्हापुर। तो अपने को लगेगा करीब 2-3 घंटा लगेगा, तो सुबह सुबह टाइम है, मौसम भी बढ़िया है, ठंडा हवा चल रहा है और हम यहाँ से निकलेंगे। गाड़ी हम अंदर से लॉक कर देते हैं, अब सोते हैं ना तो डर से, अब गाड़ी अंदर से दोनों लॉकर लोड कर देते हैं। सूरज भगवान उदय ले, कितना सुंदर सुनहरा में उदय ले लिए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, इतना बेहतरीन लग, क्या बताया जाए, बहुत ही सुंदर। बगल में देखिए कांटा है, तो हम अब निकलते हैं दोस्तों। ये देखिए निकल चुके हम यहाँ से और ये हमारी गाड़ियाँ जा रही है कंपनी के सामने, आगे आगे देख सकते हैं आप। और सुबह सुबह का नज़ारा है, देख सकते हैं आप लोग कैसा लग रहा है, मौसम अच्छा लग रहा है, बहुत सुहावन विचित्र लग रहा है। और बगल में देखिए डिवाइडर का, ये डिवाइडर में देखिए जो पौधा लगा हुआ है, यही खूबसूरती है फोर लाइन का डिवाइडर का, जो बीच में डिवाइडर में जो फूल पत्ती लगा देते हैं ना, इससे सुंदरता रोड के बढ़ जाता है। सफर तय करते हैं, कोल्हापुर पहुंचते हैं, गागल में डीसी का माल है हमारा। देखिए कितना टाइम लगता है जाने में हम लोगों का। अभी का नज़ारा 7:45 बज चुका है और सुबह सुबह का ही मौसम सुहाना, इतना बेहतरीन और सुंदर लगता है कि अब क्या बताया जाए, बहुत अच्छा लगता है गाड़ी चलाने में। ठंडा ठंडा हवा आता है तो मिजाज एकदम गदगद हो जाता है, बहुत बढ़िया लगता है। इसलिए जब 10 बजे के बाद से जब धूप चढ़ने लगता है ना, तो जब गर्म हवा फेंकने लगता है भाप, तब आदमी को परेशानी हम लोग का बढ़ जाता है, दिक्कत हो जाता है। तो अभी ठीक है, गाड़ी चलाने में भी अच्छा लगता है, टायर भी नहीं गर्म होता है और गाड़ी भी नहीं गर्म होता है अंजन में बाहर में, और हम लोग का भी बहुत राहत मिलता है गाड़ी चलाने में। कोल्हापुर का जो रोड बन गया है वो पूरा ही ब्रिज बना हुआ है, देखिए बगल में नारियल का पेड़ लगा हुआ है, बड़ा अच्छा लगता है, रोनक लगता है इधर में, इसी तरह हर जगह होना चाहिए। भाटा लगा हुआ रहता है यहाँ पे, ये देखिए कितना बड़ा भाटा लगा हुआ है, अरे देखिए हम आ गए अंकली। अंकली से अपने को बाएं जाना होगा कोल्हापुर के लिए, 40 मिनट यहाँ से कोल्हापुर लिख रहा है, देखिए यही चौक है, यहाँ से बाएं हमको घूमना होगा। गन्ने का खेती है, बहुत पैगार बहुत खेती लगा हुआ है, देखिए गन्ना कितना हरा भरा है, बहुत सुंदर लग रहा है, चारों तरफ गन्ने का है। यही रोड है और एक बगल में रेलवे ट्रैक है, ऊपर में रेलवे लाइन है। हम सफर तय करते हैं कोल्हापुर के लिए, अब इलाका में और इसी रोड को पाइप मेरा टूट गया था यहाँ से, सामने दिख रहे हैं, और यहाँ बंद कर दिए, जाम कर दिए है, और ऐसे पाइप लटक गया है, और ये पाइप तो बदल ही करना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक मारने से हवा लीक कर रहा था, उसको जाम कर दिए, तो हवा अभी नहीं लीक करता है, रात में किए। और ये देखिए मेरा, ये देखिए मेरा टूट गया है लिफ्ट वाला बोल्ट, और उसको भी लगाना पड़ेगा, और ये आवाज़ कर रहा है, और हो सके इसको टूटने के कारण आगे पीछे हुआ होगा तो जाकर टूट गया होगा, और खाली करने के बाद में इसको कहीं कराना पड़ेगा। मेरा पेस्ट खत्म हो गया था, एगो पेस्ट ले डाबर रेड से ही धोते हैं, दूसरा पेस्ट यूज नहीं करते हैं, और बहुत बढ़िया सॉफ्ट लगता है धोने में, हमारे को अच्छा लगता है। और एक गुड़ ले लिए हैं 1/2 किलो का, 25 रुपए में दिए। चौक में हम आ गए हैं, ये देखिए अपने को यहाँ से बाएं घूमना है, दाहिने चल जाएगा सिरोरी पूना ऊपर हैवी डॉक्टर पे, और बाएं हमको घूमना है यहाँ से, बाएं घूम के अपने को गागल में डीसी जाना है, उसके पहले पड़ेगा गैखूल। एक कागल में डीसी हम घूम रहे हैं, देखिए बाएं ये सीधा रोड चल जाएगा, 47 नंबर, एक कागल में डीसी हम घूम रहे हैं, देखिए ये घूम गए, घुस गए इस रोड में, और रोड बहुत बेहतरीन बनाया हुआ है, डिवाइडर में भी देखिए एकदम कनेल का फूल लगा हुआ है,
और इतने कटिंग कर दिए है ना गोलाई, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। और ये 1 करोड़ बना है। ये काटा हो चुका है मेरा गाड़ी का, काटा करा के ला दिया हूँ। देखिए ये 43 टन 480 किलो हुआ घर स्वेट, इसी का दूसरा काट। मेडिकल चौक बोलते हैं, काटा करा के चौक में गाड़ी लाया हूँ। थोड़ा नाश्ता वास्ता ले लेता हूँ, मिलेगा कि नहीं मिलेगा आगे में नाश्ता। डायमंड होटल है यहाँ पे, आ गए यहाँ पे, चारों तरफ देख सकते हैं बहुत बढ़िया। यहाँ पे पिछले चौक पर हम यहीं रुके थे, आए थे तो यहीं पे खड़े थे हम लोग करीब करीब सुबह से लेकर शाम तक। ये नाश्ता बड़ा पाव पार्सल करा ले रहा हूँ, वहाँ मिलेगा कंपनी में नहीं मिलेगा देख सकते हैं। पार्सल लेके जा रहा हूँ यहाँ पे, और मैं हो गया काफ़ी 2-3 महीना मैं आया था, चौक पर रुका था। तो सामने देखिए डायमंड होटल और एक चौक भी है, गाड़ी मेरा आगे में खड़ी है चौक में, वहाँ से आया नाश्ता लेने के लिए। नाश्ता लेके फिर निकलते हैं हम। आपका वीडियो और लाइक वगैरह बहुत बहुत धन्यवाद। ये हो गया, डाल दिए सब। हाँ चलिए, ये देखिए मेरा नाश्ता आ गया, फट गए क्या? ये नाश्ता ले लिए जा रहे हैं, वो कंपनी मिलेगा नहीं मिलेगा क्या पता। 10:30 बज चुका है और हम आ गए यहाँ पे कंपनी के पास में। ये गाड़ी हमारी खड़ी है देखिए सामने, और ये कंपनी है। एक बार और पहले आए थे लेकिन लोकेशन लोग सही ढंग से बताया नहीं, इसके वजह से दिक्कत हो गया, पूछना पड़ा हमको। देखिए रोड बन गए, 1 नंबर रोड का काम चालू है, बहुत सुंदर रोड बन गए MIDC का। ये कंपनी में गाड़ी कब लगाते हैं, रास्ता तक खोलना होगा हमको। अब थोड़ा धूप हो गया, परेशानी पड़ेगा हमको, बहुत परेशानी पड़ेगा। बड़ा पाव आ गया देखिए, और 11:15 बज गया है, और हम नाश्ता करते हैं। लेके आए थे पार्सल, और अभी 2 पीस इसमें भी है, चमकी में भी। तिरपाल रास्ता खोल के खोलना है, रास्ता तिरपाल समेटना है, बाता खोलना है, उसको भी खाएंगे। कहे कि यहाँ व्यवस्था कुछ नहीं है। तो ये देखिए बड़ा पाव इसमें लगाते हैं, ऐसे पाव को लगाते हैं, बड़ा उसमें डाल दिए। जय मानपूर्णा, जय खाते हैं। ये मरचा है, फेमस चीज है महाराष्ट्र का। गाड़ी मेरा रासा त्रिपाल खुल चुका है, देख सकते हैं आप लोग, रासा त्रिपाल सब खोल के कंप्लीट कर दिए। धूप में अभी हम खड़े हैं, पूरा गाड़ी क्लियर होगा, खाली करने लोडिंग पॉइंट में लगाए हैं। अब देखिए कितना बजे लोग खाली करता है। मेरा खाली हो चुका है और 6:20 हो गया, और काटा कराने जाना है वो कंपनी में, और हमारा समस्या खड़ा हो गया। मेरे साथ 3 को गाड़ी में नुक्स हो गया है, एक तो पाइप लिफ्ट वाला टूट गया है, छोटा बालू का पाइप वो भी रगड़ा के बाइक घर में वो भी कट गया है, और लिफ्ट का जो बोल्ट होता है ना वो भी टूट गया है। अब तो लिफ्ट उठ नहीं रहा हमारा, पाइप डलेगा उसके बाद, वो पाइप डलेगा तो लिफ्ट उठेगा, अगर बोल्ट नहीं मिलेगा तो लिफ्ट उठेगा, लेकिन बोल्ट भी लगाना ज़रूरी है। तो चलते हैं, अब काटा करने के बाद में संडे है, अब टाइम सोचता है तो गैरेज मिलता है तो उसमें लगवाते हैं। ये चौक से अपने को बाएँ जाना है, यही चौक है। ये नया कंपनी बन रहा है देख सकते हैं आप लोग, काम चालू है नया कंपनी का, उसी का कंपनी है जहाँ पाउडर खाली किए, दूसरा जगह यहाँ सब माल ढलैया होता है। ये काटा है सामने, वो काटा रूम है। 8:30 बज चुका है और आज हम मछली लिए हैं बनाने के लिए, दिल खाने का मन किया, मछली बिक रहा था तो मन मचल गया, तो मैं बोला लेते हैं। अब टाइम भी पास करना है बैठे बैठे, चंदन बाबू रहते थे तो साथ में हम लोग बाप बेटा मिल के और सब काम कर लेते, लेकिन पूरा अकेले करना पड़ेगा हमको। तो आज देखिए सब मसाला पहले हम तैयार करेंगे। देखिए मेरा सरसों है, अबे सरसों पहले कूट लेंगे, उसके बाद में लहसुन वहसुन सब तैयार कर लेंगे, प्याज काट लेंगे, फिर मछली को धुलाई करेंगे, उसके बाद में फिर फ्राई करेंगे, फिर बनेगा। लहसुन प्याज मरचाई और टमाटर निकाल दिए, देखिए छील छाल के सब रख दिए हैं, कंप्लीट कर दिए हैं, पहले इसको कंप्लीट कर देंगे तो फिर बाद में हमको दिक्कत नहीं, अकेला है ना इसलिए। रात्रि का टाइम हो गया,
9:50 और हम सब तैयार कर दिए हैं। देखिए मेरा जीरा है यहाँ पे, अभी डालेंगे वो। टमाटर काट के रेडी कर दिए हैं, ये प्याज काट के रेडी कर दिए हैं, और इसमें देखिए पेस्ट कूट दिए हैं लहसुन और मिर्चाई का। और ये मेरा मसाला है रेडी है, देखिए ये मसाला। और ये मछली बनाऊंगा देसी स्टाइल में, जो देहात में बनता है जिस तरीका से, और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर बनेगा। तो आप लोग देखिए, इसको पहले मसाला भूजेंगे ये सब तड़का लगा के, उसके बाद में इसको डाल के और 5 मिनट तक भूज के उसके बाद में बैठा देंगे, और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मस्त और बहुत ही अच्छा बनेगा। देखिए आज बराबर तो फ्राई करके बना देंगे, फ्राई नहीं करेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब देखिए जीरा डालने जा रहे हैं, इसमें प्याज डालेंगे। अब देखिए प्याज डाल दिए, देखिए प्याज और लहसुन और मिर्चाई का इसमें हम डाल दिए, जो देख सकते हैं आप लोग भून रहे हैं, इसमें डाल दिए। अब उसको अच्छा तरीके से भून देते हैं। अब भूजने के बाद में फिर अभी टमाटर डालेंगे। टमाटर देखिए डाल रहे हैं, भुजा गया, ये टमाटर डाल दिए। टमाटर इसको पूरा गला देगा, नमक डाल के मिला देते हैं, गल जाएगा जल्दी, ये गल गया है। और मसाला डालेंगे इसमें, ये मसाला डाल दिए, देख लिए मसाला डाल दिए हैं। मसाला डाल के इसको बढ़िया से भूज देते हैं, मसाला पक जाएगा, ऐसे मछली देसी बनेगा, मस्त लगेगा खाने में। इसको अभी ऐसे देखिए ग्रेवी कैसा हो गया, ये देखिए मसाला भुजा के रेडी हो गया है। और वो जो देख रहे हैं आप लोग ना, वो जो मैंने आम लिया था ना, एक आम काटा हम खाया तो मीठा खट्टा मीठा लग रहा था, बड़ा बढ़िया स्वाद। तो इसको एक आम को हम इसमें डाल दिए हैं। अब ये देखिए मछली डाल रहे हैं, मुंडी डाल दिए, पीस डाल रहे हैं, एक एक करके डाल के उसको चला देंगे, फ्राई नहीं करेंगे, इसी तरह बनेगा ये। तो इसको चला रहे धीरे धीरे, देखिए मेरा बन गया, मछली बन के रेडी हो चुका है, खाना निकल गया और हम भोजन करते हैं। तो भोजन, भूख लग गया है, टाइम ज़्यादा हो गया, 11:40 हो गया। बहुत ही अच्छा बना है मछली। आज का ब्लॉग हम लोग समाप्त करते हैं, और कल नए ब्लॉग के साथ फिर आपको मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।